जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथा कथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आप तो वहां गए ना जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात, तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है, लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है, ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है और नवंबर 2021 और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत IMF के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है, परंतु क्या कहा जाए, न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है न राजनीति का ज्ञान है, केवल दिल में भरा हुआ भाजपा और मोदी जी नहीं भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। इसीलिए जितनी भी बातें हम लोग पहले बताते हैं या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कभी ये भी बोला होता? कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं, और अगर कहा जाए इसको अन्यथा न लिया जाए तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो और रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।